अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू ज़ैनब किचन। आज हम बनाने वाले हैं चिकन विंग्स। इसके लिए हमने ये चिकन के विंग्स लिए हैं, आधा किलो नमक, चिली फ्लेक्स लिए हैं आधा टीस्पून, लाल मिर्ची का पाउडर आधा टीस्पून, काली मिर्ची का पाउडर और रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ले और नहीं स्किप करें कि थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। आधे नींबू का रस, एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे। हम बर्तन रखेंगे गैस के ऊपर, गैस हमने चालू किए है। एक टीस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद 10-12 कली हमने लहसुन के लिए है, एक हरी मिर्ची उसको बारीक बारीक हमने चॉप किए है, ऐड करेंगे। इसे हमें एकदम फ्राई नहीं करना है, हल्का सा सॉटे करना है। बस गैस को हम बंद करेंगे। चिकन में ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके लेंगे। इसमें मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी हम इसे ढक कर रखेंगे 2-3 घंटे के लिए। चिकन विंग्स को हमने मसाले लगा के रखे थे, 2-3 घंटा हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करके लेंगे। कॉर्नफ्लोर कलाने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे। एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम किए है, इसे हमें शैलो फ्राई करना है। चिकन विंग्स हमने फ्राई करने के लिए रखे थे, 1-2 मिनट के बाद इसे पलट कर लेंगे। पलटते पलटते दोनों तरफ से, जैसे हम चिकन फ्राई करते हैं उस टाइप का हम फ्राई करके लेंगे। गैस को हमने लो ही रखे है। लो फ्लेम पर चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। एक चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिए है, उसका एक घोल बनाएंगे। आधी वाटी पानी लेंगे, इसको साइड में रखेंगे। टमाटर केचप लिए हमने 1 चम्मच। आधा चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हम रेड चिली सॉस लेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। जो हमने इसका घोल बनाए थे कॉर्नफ्लोर का, उसमें ही ऐड करेंगे। चिकन विंग्स हमारे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं और चिकन भी गल गया है। देखिए हड्डी से छूटने लगा है चिकन। अभी हम इसको एक साइड पे करेंगे, गैस को लो करेंगे। जो हमने सॉस बना के रखे थे उसको पहले घोल कर लेंगे। अच्छे से हिलाकर इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करके लेंगे इसको। इसको हमने इस पॉइंट पे लो ही रखे है, अच्छे से सॉस में कोट करके लेंगे। थोड़े से सफ़ेद तिल आपके पास है तो डालें वरना स्किप करें, लेकिन अच्छा लगता है। अभी ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम गैस बंद करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इफ्तारी का भी टाइम हो गया है, अभी इसे इफ्तारी में ज़रूर बना कर खाइए और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। पता नहीं आप लोग कमेंट करना क्यों भूलते हो या कंजूसी करते हो,
आप ज़रूर मुझे कमेंट करते रहे, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अभी इसी तरह बनाइए और खाइए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।